हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं सजेस्टेड मे 2024 5A क्वेश्चन। ये बहुत इजी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, एन इन्वेस्टर हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख। 1 लाख डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड द डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द टू कंपनीज अलॉन्ग विद दिस इज गिवन। उनकी रिटर्न दी हुई है। एक्स का रिटर्न आपको 5%, 10%, 15%, ये जो 5% नेगेटिव है। वाई का रिटर्न 15%, 25%, -10% है। इनकी पॉसिबिलिटीज है, ये फ्यूचर की डाटा दी हुई है। तो आपसे क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इंडिविजुअल शेयर। रिस्क एंड रिटर्न निकालनी है। अब सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सुनिएगा, रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन पीआई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। और रिटर्न का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई होता है। इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा जाता है, जो यहाँ पे है ये चीजें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न निकालना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द टू शेयर्स विद द पोर्टफोलियो डी शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। तो अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब वेट एक्स रिटर्न एक्स प्लस रिटर्न वाई वेट वाई, तो वेट बोला है इक्वली। इक्वल वेट का मतलब क्या हो गया कि वेट एक्स क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इनका वेट 0.5 हो जाएगा। अब दूसरा में क्वेश्चन पूछा है पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। तो इस केस के लिए फॉर्मूला ये लंबा वाला फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई होता है। इसको दूसरे तरीका से कैसे लिखा जा सकता है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स वाई। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर, वाई वेट वाई का होल स्क्वायर प्लस टू वेट एक्स वेट वाई कोवेरियंस एक्स वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें इसका मतलब पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए आपको कोवेरियंस एक्स वाई निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस एक्स वाई। तो कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई। तो ये सारी चीजें आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर्स टू फॉर्मुलेट मिनिमम रिस्क, वेट फॉर द मिनिमम रिस्क। तो वेट फॉर द मिनिमम रिस्क का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए एक्स का फॉर्मूला बनानी है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अदर देन आपको परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई होगा, यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई, यहाँ पे टू हो जाता है। तो ये सारे बनाने के लिए एक परफेक्ट टेबल बनाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका टेबल बनाएंगे। और टेबल में हमारे पास देखिएगा कैसे होगा, ये सबसे पहले हमारे पास टेबल होगा, हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न में आपकी दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है और दूसरी कंपनी आपके पास वाई है। रिटर्न में दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है। ठीक है, आपने एक्स का रिटर्न निकाल लिया, वाई का रिटर्न निकाल लिया। अब सुनिए,
वो सारी चीजें। अब इसमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो उसको पी आई लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ एक्स। अब इसको हम एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई, इसको एक्सपेक्टेड वाई कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, समेशन पी आई एक्स आई कहेंगे, यहाँ पे समेशन पी आई वाई आई कहेंगे, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे, पी आई एक्स आई का कलम बनाएंगे, एक क्या करेंगे, पी आई वाई आई का कलम बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, समेशन पी आई वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का एक कॉलम बनाएंगे, वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का कॉलम बनाएंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई है, तो पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, पी आई वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई का कलम बनाएंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद हमें एक और कलम की आवश्यकता पड़ेगी, एक बनानी हमें कोवेरिएंस, कोवेरिएंस एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोवेरिएंस बनानी है, तो समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई। अब ये सारी कलम बनाना पड़ेगा है आपको, तो यहाँ पे पी आई करेंगे एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई करके यहाँ पे कलम बना देंगे। अब इनकी एक एक रिटर्न देखिएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -5, 10 और 15, ये आपको ऑलरेडी लिखी हुई है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 15, 25 और -10, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी हुई है, 0.20, 0.50, 0.30। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको दिक्कत ना हो इसीलिए मैं पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने रखा है। यहाँ पे -5 × 0.2, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पे पी वाई देस, यहाँ पे 15 × 0.2 दैट इक्वल टू 3, 25 × 0.5 दैट इक्वल टू 12.5, और ये आपका कितना हो जाएगा, -10 × 0.2 -3। तो ये टोटल जब सम करेंगे तो यहाँ पे 8.5 हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स हम लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स दैट इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे समेशन पी आई एक्स आई, अब वो कितना निकाला हुआ है, जो पी आई एक्स आई 8.5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 8.5%। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, तो यहाँ पे ये लिखेंगे समेशन पी आई वाई आई, ये कितना आया है, जो पी आई वाई आई का सम करेंगे तो 12.5 आया है, तो यहाँ पे 12.5% हो गया, 12.5%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे पी आई एक्स आई का ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिएगा 8.5, -5 -8.5, तो ये -13.5 हो जाएगा, और 10 -8.5 ये 1.5 हो जाएगा, 15 -10 तो ये 6.5 हो जाएगा। उसी तरह
यहाँ पे 15 माइनस 12.5 ये आपका 2.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 12.5 25.5 -10 -12.5 22.5 इतना आ जाएगा। अब इसको हम इसको एक्सक्वायर करेंगे, -13.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.20, -13.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.20, तो वो जब करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 36.45, और यहाँ पे 1.125, यहाँ पे 12.675, और यहाँ पे कितना आ जाएगा yi माइनस एक्सपेक्टेड y का यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 1.25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 78.125 हो जाएगा, और यहाँ पे 151.875 हो जाएगा, 875। अब इसको सारे को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50.25, और ये 231.25 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट का आंसर रिटर्न हो गया। अब रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एक्स स्टैंडर्ड एक्स रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, वो कितना हमने निकाला है 50.25, यहाँ पे 50.25% रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वाई, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वाई। अब आपको यहाँ पे रूट अंडर समेशन पी आई, यहाँ पे रूट अंडर होगा वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई, रूट अंडर कितना आया है यहाँ पे देखिए 231.25, 231.25। अब सुन, अब पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 7.09, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 15.21, 21, 15.21, 15.21 हो जाएगा, 15.21। अब इसके साथ निकालनी है कोवेरिएंस, इसके साथ क्या निकालनी है हमें, वर्किंग नोट में निकालना, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई। लास्ट वाला जो सबसे कलम पॉइंट था यहां पे, ये वाली पॉइंट, अब क्या करेंगे इसको ए मान लो यहाँ पे पी है, तो पी को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, तो ए इंटू बी इंटू सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6.75, 9.375, 375, और -43.875, 875, ये आपके पास आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो -41.25, 41.25 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 41.25 ये आपके पास नेगेटिव आ गया, 41.25 नेगेटिव आ गया। तो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल दिया, और इस पार्ट का कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न
ऑफ दिस टू शेयर विद द पोर्टफोलियो ऑफ द शेयर इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों शेयर है। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, तो वेट आपका क्या होना चाहिए, आपको इक्वल होना चाहिए। तो वेट इक्वल का मतलब क्या हुआ, वेट एक्स इक्वल टू वेट वाई दैट शुड बी इक्वल। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ए मान लीजिए, सम ऑफ वेट कितना होता है, सम ऑफ वेट हमेशा वन होता है, दैट इक्वल टू वेट एक्स प्लस वेट वाई इक्वल टू वन होता है। तो ए प्लस ए इक्वल टू वन, तो टू ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन बाई टू दैट इक्वल टू 0.5। तो वेट एक्स का भी वही होगा, वेट वाई का भी वही होगा, ये 0.50 हो जाएगा, ये आपको 0.5 हो गया। अब वेट आपका निकल गया 0.5। अब आपको निकालनी है पोर्टफोलियो रिटर्न। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न एक्स वेट एक्स, रिटर्न वाई वेट वाई। अब रिटर्न एक्स देखिए कितना निकाला है हमने, रिटर्न एक्स आपको निकाली है 8.5 और ये 12.5, 8.5% इंटू 0.5, 12.5% इंटू 0.5, तो 8.5, 12.5, ये 10.5% हो जाएगा, दिस इज अ 10.5। अब आपको निकालनी है पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर, वाई वेट वाई का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स वाई वेट वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। अब इसको थोड़ा सा और कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और कैसे लिखा जा सकता है, एक्स वेट एक्स का होल स्क्वायर एक्सटेंशन वाई वेट वाई का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स वाई इंटू वेट एक्स इंटू वेट वाई। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं फॉर्मूला, इसको प्लीज समझिएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू होता है कोवेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्डेशन वाई। दिस इंप्लाइज दैट कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई स्टैंडर्डेशन एक्स स्टैंडर्डेशन वाई। तो ये आपको स्टैंडर्डेशन एक्स स्टैंडर्डेशन वाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई यहाँ पे, तो आपका कोवेरियंस बन जाएगा। अब इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 7.09 इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर, अब 15.21 इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर, 2 इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस कितना है माइनस 41.25 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये कैलकुलेशन करेंगे तो पोर्टफोलियो रिस्क हमारे पास कितना हो जाएगा 7.06%, दिस योर पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये आपका क्या हो गया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क। अब आपको थर्ड पार्ट का आंसर निकालने जाते हैं, वेट फॉर मिनिमम रिस्क, थर्ड पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे वेट फॉर मिनिमम रिस्क, वेट फॉर मिनिमम रिस्क, आप प्लीज समझने की कोशिश करेंगे, वेट फॉर मिनिमम रिस्क। तो वेट एक्स का हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई का एक्स स्क्वायर कोवेरियंस एक्स वाई, एक्स का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एक्स स्क्वायर माइनस
टू कोवेरियंस एक्स वाई, हमने कंसेप्ट में समझाया अगर एक्स का निकालना है तो वाई वाले ऊपर होगा, एक्स का निकालना है तो वाई वाले ऊपर होगा, तो 15.21 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 41.25, ये 15.21 का एक्स स्क्वायर प्लस 7.09 का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस माइनस 41.25, तो जिसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7436। तो वेट फॉर वाई कितना हो जाएगा, वेट फॉर वाई अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर टू कोवेरियंस एक्स वाई, या और वन माइनस वेट एक्स, वन माइनस 0.7436, तो ये आपके कितना आ जाएगा, 0.24, 0.24, अब वन माइनस 0.7436, 2564, यहाँ पे 2564 हो जाएगा, ये वाला वेट फॉर मिनिमम रिस्क हो गया। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये मार्कवीट मॉडल पे है और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।